हेलो फ्रेंड्स, मैं मांशु कुमार, आप देख रहे हैं हेमा ग्राफिक्स। तो आज की इस वीडियो में इस तरीके का 3D ब्लॉक्स कैसे क्रिएट करना है उसके बारे में बताने जा रहा हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या करना है, यूनिट में जाके यहाँ पे मिलीमीटर्स कर लेते हैं। उसके बाद एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं जिसका शॉर्टकट की है F6 और कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ इस तरीके से ड्रैग करेंगे। इतना करने के बाद इस तरीके से रोटेट करेंगे 45 डिग्री पे। उसके बाद इसका साइज मैं बताने जा रहा हूँ 100x50 और इंटर प्रेस करेंगे कुछ इस प्रकार से। अब क्या करना है, इसको हम थोड़ा सा अपने साइज अकॉर्डिंग इंक्रीज करते हैं इसका साइज को। उसके बाद क्या करेंगे, इसका एक कॉपी लेंगे। तो कहाँ जाना पड़ेगा, एडिट में कॉपी और पेस्ट करेंगे। आप चाहे तो कीबोर्ड से कंट्रोल सी और कंट्रोल बी भी प्रेस कर सकते हैं कॉपी के लिए। तो उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे कुछ इस प्रकार से। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे फ्री हैंड टूल में जाएंगे जिसका शॉर्टकट की है F5 और इस वाले नोट को और इस वाले नोट पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस प्रकार से। इधर भी वही करेंगे और एक सेंटर से इस प्रकार से करेंगे। उसके बाद स्मार्ट फिल टूल लेंगे तरीके से। अब ये जो लाइन ड्रॉ किए थे इसको हम डिलीट कर देते हैं। उसके बाद क्या करना है, ये जो छोटा छोटा पार्ट जो है इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको ये दोनों को और क्या करेंगे, वेल्ड कर देंगे। उसी प्रकार इसको भी करेंगे सेलेक्ट करके वेल्ड कर देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे दो रेक्टेंगल है, एक ऊपर एक नीचे, तो इसको नीचे वाले को क्या करना है, डिलीट करना है। और यहाँ क्या करना है फ्रेंड्स, अभी क्या हो रहा है फ्रेंड्स, यहाँ जाने के बाद नॉट स्नैप हो रहा है। तो इस पर क्लिक करेंगे और इस वाले नोट पे लाके एक बार छोड़ देंगे कुछ इस प्रकार से। अब क्या करेंगे, हम इसमें ऑरेंज कलर फिल कर दिए और इसमें हम थोड़ा सा ग्रे कलर डालेंगे कुछ इस प्रकार से। अब क्या करना है, सारे को सेलेक्ट करेंगे और एक बार कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ग्रुप हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके कॉपी करेंगे और इस तरीके से यहाँ से पकड़ेंगे और इस वाले नोट पे लाके रखेंगे। और उसके बाद कंट्रोल के साथ डी प्रेस करना है कुछ इस प्रकार से। अब क्या करना है, एक एक को डिलीट कर देना है कुछ इस प्रकार से। अब क्या करेंगे, सारे को सेलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे, इसको अभी क्या है, ये ग्रुप है, तो इसको अनग्रुप करने के लिए कंट्रोल के साथ यू प्रेस करेंगे तो अनग्रुप हो जाएगा। अब यहाँ ड्रॉप शैडो में जाएंगे और कंट्रोल टूल लेंगे और इस तरीके से करना है फ्रेंड्स। इतना करने के बाद क्या करना है, अभी क्या है, फिर से दोनों अटैच हो गया, तो इसको क्या करना है, कंट्रोल के साथ के प्रेस कीजिएगा तो क्या होगा, ब्रे के पार्ट हो जाएगा। नहीं तो आप माउस से राइट क्लिक कीजिए। माउस से राइट क्लिक करने के बाद क्या है, यहाँ पे ब्रे के पार्ट, इसका शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस के। तो ये क्या होगा, देखिए ब्रे के पार्ट हो गया, वन शेप में कन्वर्ट हो गया। अब क्या करना है, इसको इसका एक कॉपी लेना है। आप कीबोर्ड से प्लस से प्रेस कर सकते हैं तो क्या डायरेक्ट कॉपी हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, इस वाले नोट पे लाके छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, इसका और इसका कलर रिमूव करने के लिए यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से। अब क्या करना है, फ्री हैंड टूल लेना है और यहाँ पे इस तरीके से करना है। उसके बाद क्या करेंगे, स्मार्ट फिल टूल लेंगे और इस तरीके से इसमें कलर ड्रॉ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो ये जो लाइन ड्रॉ किए थे इसको डिलीट कर देंगे और ये जो रेक्टेंगल था फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा इतना करेंगे जितना जो दीवार का जो शेडो होता है उसको लाने के लिए। उसके बाद फिर से स्मार्ट फिल टूल लेंगे और इसमें कलर फिल कर देंगे। उसके बाद ये जो रेक्टेंगल था इसको डिलीट कर देंगे। फ्रेंड्स, ये सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसमें हम ब्लैक कलर फिल रहने देते हैं। अभी क्या है, ये अलग अलग है तो इसमें हम ऑरेंज कलर फिल कर दिए। उसके बाद ये जो ब्लैक पूरा दिख रहा है इसमें शेडो देने के लिए ट्रांसपेरेंसी टूल का यूज़ करेंगे। और क्या लेंगे, ट्रांसपेरेंसी टूल लेंगे। तो फ्रेंड्स, लेने के बाद क्या होगा, यहाँ पे आइकन दिख रहा है हमें, तो इसको थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे हम कुछ इस प्रकार से। इंक्रीज करना है फ्रेंड्स, 50 कर लेते हैं। उसके बाद क्या करना है, सारे को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो आउटलाइन सारा रिमूव हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज का सेशन इतना ही। कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा और ये चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। धन्यवाद।